किस खतरनाक बीमारी के शिकार हुए निक जोनस। प्रियंका चोपड़ा के पति सिंगर निक जोनस चर्चा में आ गए हैं। निक अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट्स को लेकर लाइमलाइट में बने रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने अपने कुछ कॉन्सर्ट को पोस्टपोन कर दिया है, जिसकी वजह से वो चर्चा में आ गए हैं। अमेरिकन सिंगर ने इसलिए फैंस से माफी भी मांगी है। उन्होंने इसके पीछे की बड़ी वजह बताई है। तो चलिए बताते हैं कि आखिर निक जोनस को क्या हुआ है जिसकी वजह से उन्हें अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट्स को कैंसिल करना पड़ा। दरअसल निक जोनस ने खुद अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सिंगर ने अपने फैंस से कॉन्सर्ट को पोस्टपोन करने के लिए माफी मांगी है। निक जोनस ने अपने वीडियो में जोनस ब्रदर्स के कॉन्सर्ट टूर के पोस्टपोन होने की वजह का भी खुलासा किया है, जिसकी वजह से फैंस अब परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, सिंगर ने बताया है कि उन्हें इन्फ्लुएंजा ए वायरस ने अपनी पकड़ में ले लिया है, जिसकी वजह से वो परेशान हो रहे हैं और इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। जो वीडियो निक जोनस ने शेयर किया, उसमें उन्होंने कहा, मैं निक हूँ, मेरे पास शेयर करने के लिए ऐसी खबर है जो मजेदार नहीं है, पर बताना जरूरी है। कुछ दिन पहले मुझे कुछ अजीब सा फील होने लगा। जब मैं उठा तो मेरी आवाज नहीं निकल रही थी और उस रात मैं कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। पिछले 2-2.5 महीनों में मेरी हालत धीरे धीरे बुरी होती जा रही है। मैं कल पूरे दिन बेड पर पड़ा रहा। बुखार, शरीर में दर्द, गले में खराश और बहुत बुरी खांसी हो गई है, निक ने आगे बताया। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए हैं। वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, हेलो दोस्तों, मुझे इन्फ्लुएंजा ए का खतरनाक स्ट्रेन हो गया है जो चारों तरफ फैल रहा है। मैं इस टाइम किसी भी कॉन्सर्ट में नहीं गा सकता हूँ। मैंने इसलिए कई सारे कॉन्सर्ट्स को पोस्टपोन कर दिया है। अब ये शो अगस्त में होंगे। निक जोनस का लेटेस्ट पोस्ट फैंस के बीच खूब वायरल हो रहा है। सिंगर की सेहत जल्द ठीक होने के लिए फैंस अब भगवान से प्रे भी कर रहे हैं। जी हाँ, जिन कॉन्सर्ट्स को निक जोनस ने कैंसिल किया है, अब वो अगस्त में 21 और 22 को होंगे। हालांकि फैंस जो हैं, वो तो सिर्फ अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि निक जोनस जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आप क्या कहना चाहते हैं निक जोनस के लिए, कमेंट करके बताइए। इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे भी जल्दी से फॉलो करें।